स्टूडेंट्स, आइए हम एक दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एक दूसरी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और इसको हैंडल करें, देखें कैसे आप करेंगे, इससे एक नई कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। क्वेश्चन देखें क्या है। क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ ए ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट कैपिटल एल अपॉन जी। मीन्स कोई एक सिंपल पेंडुलम है जिसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको गिवन है। मैंने बताया था कि जब भी कोई एक हैवी मेटल स्फीयर को एक मासलेस थ्रेड से सस्पेंड कर दिया जाए तो जो एडजस्टमेंट बनता है वो कहलाता है सिंपल पेंडुलम। तो ये एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में उसका टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी आपको गिवन है। अब आगे क्या कह रहे हैं, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20.0 सेंटीमीटर। मींस लेंथ की जो मेजर्ड वैल्यू 20.0 सेंटीमीटर है। अब यहां से आप देखिए 20.0 का मतलब ये हो गया कि ये जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है वो डेसिमल के एक प्लेस तक मेजर कर सकता है, वो डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजर कर सकता है। मींस उसकी लिस्ट काउंट जो होगी 0.1 सेंटीमीटर होगी। अब ऐसा किसका होता है, मीटर स्केल का होता है। क्या होता है, मीटर स्केल का। मीटर स्केल की लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर होती है। इसका मतलब इस पेंडुलम की लेंथ का जो मेजरमेंट किया गया है वो मीटर स्केल से किया गया है। नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, ये 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी ये आपको एब्सोल्यूट एरर दी होती है, मतलब 1 मिलीमीटर से ज्यादा एरर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ, तो ये आपका डेल्टा टी गिवन है, सॉरी डेल्टा एल गिवन है। मीन्स एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ जो है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। 100 ऑसिलेशन का जो टाइम है वो 90 सेकेंड है। यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजुलेशन, जिस रिस्ट वॉच से आप टाइम मेजरमेंट कर रहे हो वो कम से कम मिनिमम 1 सेकेंड का टाइम मेजर कर सकती है, तो ये डेल्टा टी गिवन है। व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ जी, जी में क्या एक्यूरेसी होगी। एक्यूरेसी का मतलब आपको ये पता करना है कि जी में कितने परसेंट एरर पॉसिबल है। एक्यूरेसी का मतलब ये हो गया, ये पता करना है कि जी में मैक्सिमम कितने परसेंट एरर पॉसिबल है। देखिए सोल्यूशन आपका सेकंड गिवन, सोल्यूशन गिवन फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी, ये आपको गिवन है। यहाँ टी क्या है, टाइम पीरियड, एल क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम मीन्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस। जी क्या है, उस प्लेस पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। डेल्टा एल कितना दिया है, 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ। डेल्टा टी कितना गिवन है, 1 सेकेंड। एल कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर। टोटल टाइम कितना गिवन है, 90 सेकेंड। टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना गिवन है, 100 सेकेंड। क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, मतलब जी में परसेंटेज इधर आपको फाइंड आउट करना है। ये तो रहा क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अब हम देखें कैसे सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप, टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। तो यहाँ पर आपको एक्यूरेसी किस में फाइंड आउट करना है, जी में। तो जिसमें एक्यूरेसी फाइंड आउट करना होता है उसको लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। जिसमें एक्यूरेसी फाइंड आउट करना होता है उसको लेफ्ट साइड में लेकर के उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो देखिए हमने स्क्वायर कर दिया, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। स्क्वायर करने पर इसका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब जी को हम लेफ्ट साइड में ले लें, हमें जी में एक्यूरेसी नहीं फाइंड आउट करना है तो जी को लेफ्ट साइड में ले लेंगे, बाकी सबको राइट साइड में कर लेंगे। तो जी इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। अब यहाँ इस फॉर्मूले से आप लोग देखिए कि जी 2 बातों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम पर डिपेंड कर रहा है, किस पर बच्चों, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पर डिपेंड कर रहा है। एक टाइम पीरियड के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, एक टाइम पीरियड के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। अब जब आप इरर का डिस्कशन करेंगे तो ये 4 पाई तो एक कांस्टेंट है, इसमें तो कोई इरर होगी नहीं, तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं इरर के लिए। तो जी अब हमने राइट किया है 4 पाई स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो इसमें कोई इरर होगी नहीं। अब हम राइट करने जा रहे हैं
रिलेटिव एरर, क्या रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर इन राइट करेंगे तो डेल्टा जी अपान जी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एल अपान एल प्लस टू इंटू डेल्टा टी अपान टी। यहां पर हमने पावर का रूल लगाया है जो हम लोग रूल नंबर थर्ड पढ़ चुके थे, यहां पर वन पावर है यहां पर टू पावर है, तो यहां पर हमने रूल नंबर थर्ड यूज किया है जो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का रूल नंबर थर्ड जो बताया था, तो यहां पर हमने रूल नंबर थर्ड का यूज किया है, रूल नंबर थर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर ये आ गया। हमें डेल्टा एल गिवेन है, एल गिवेन है, डेल्टा टी गिवेन है, टी गिवेन है। अब एक बात पहले टाइम पीरियड हम डिफाइन कर लेंगे क्या है, टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड कैपिटल टी। मींस कोई भी सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने का तरीका क्या है, टोटल जो टाइम दिया गया हो उसको टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन से आप डिवाइड कर दीजिए। इस न्यूमेरिकल में देखिए टोटल टाइम कितना गिवन है 90 सेकंड, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने गिवन है 100, टोटल टाइम कितना गिवन है 90 सेकंड, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन 100। अब टाइम पीरियड टी हो गया, टोटल टाइम को स्मॉल टी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन एन हो गया। अब जब आप चेंज निकालेंगे, जब आप इसमें एब्सोल्यूट इरर निकालेंगे तो ये तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, इसमें तो मिस्ट इरर होगी नहीं, इरर इसमें होगी, इसमें होगी, तो डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा स्मॉल टी अपान एन आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए तो डेल्टा टी अपान टी इक्वल टू डेल्टा स्मॉल टी अपान एन इंटू एन अपान टी हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दिया, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा कैपिटल टी अपान टी इक्वल टू डेल्टा स्मॉल टी अपान टी। हम जहां पर डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी राइट किया गया है इसके प्लेस पर राइट कर सकते हैं डेल्टा टी अपॉन स्मॉल टी, क्या डेल्टा टी अपॉन स्मॉल टी, देखिए यहाँ कैपिटल टी है यहाँ स्मॉल टी है, यहाँ डेल्टा कैपिटल टी है डेल्टा स्मॉल टी है, तो ये वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पर तो हमारा आ जाएगा डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस टू इंटू डेल्टा टी अपॉन टी आ जाएगा। ओके, अब हमें वैल्यूज पुट करनी है, देखिए डेल्टा जी अपान जी इक्वल टू डेल्टा एल, डेल्टा एल आपको गिवन है 0.1 सेंटीमीटर और एल गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो ये 0.1 अपान 20 हो जाएगा, और 2 इंटू डेल्टा टी आपको गिवन है रिस्ट वॉच का टाइम ऑफ रिजोल्यूशन 1 सेकंड, कितना गिवन है 1 सेकंड, तो ये 1 सेकंड हो जाएगा, और अपान टी दिया गया है टोटल टाइम 90 सेकंड, देखिए ये 90 सेकंड तो ये 90 हो जाएगा, यहाँ से डेसिमल रिमूव कर देंगे ये 200 हो जाएगा, ये 2 अपॉन 90 हो जाएगा। अब परसेंटेज इरर, ये तो रिलेटिव इरर है, ये आपकी रिलेटिव इरर आई, ये रिलेटिव इरर है। अगर परसेंटेज इरर की बात करेंगे तो परसेंटेज इरर में बोथ साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू 1 अपॉन 200 इंटू 100 प्लस 2 अपॉन 90 इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज इरर आएगी। ये है परसेंटेज इरर, ये है परसेंटेज इरर, मींस एब्सोल्यूट इरर इन जी अपॉन जी इंटू 100, ये जी में परसेंटेज इरर है, ये आपका 2020 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 20.5 आ जाएगा, ये 1010 कैंसिल हो जाएगा, 20 अपॉन 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 आ जाएगा 2.2 आ जाएगा 2.7, तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू 2.7 आ गया। अब राउंड ऑफ कर दें, राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए यहाँ ये 5 से ग्रेटर है, इसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं तो इसको एक इंक्रीज कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू 3%। इसका मतलब हो गया कि जी के डिटर्मिनेशन में 3% की जो है इरर हुई है, जी के डिटर्मिनेशन में 3% की इरर होगी, मीन्स जो भी वैल्यू जी की आएगी वो 3% ज़्यादा भी हो सकती है, 3% कम भी हो सकती है। ओके, तो ये आपका रहा सेकंड न्यूमेरिकल, इसके कॉन्सेप्ट आप इसको अच्छे समझ लेंगे, ये आपके एकेडमिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये नीट में कई बार आ चुका है, आईआईटी मेंस में भी आ चुका है, तो ये आपके दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप में से जो बच्चे एनडीए का एग्जाम देना चाहते हैं, आपका आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, जो एयरफोर्स टेक्निकल ट्रेड में जाना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसके इस न्यूमेरिकल को आप अच्छे से करेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब
अब हम देखेंगे कि और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं आपके इस एरर में, जिसको हम आपको बता दें तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं बता दूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, इम्पॉर्टेंट होता है नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट। तो आपको अब कभी कभी आपके सामने प्रॉब्लम ये आती है कि हम कितने क्वेश्चन कर लें कि हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए हम आपको एडवाइस ये देंगे कि पूरे हर किसी भी चैप्टर में ये देखें कि कितने कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब एक एक कॉन्सेप्ट पर एक एक दो दो क्वेश्चन आप कर लीजिए, तब आपका कॉन्फिडेंस उस चैप्टर में बन जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन हमने दो कॉन्सेप्ट पर कराया, ये दो क्वेश्चन हमने दो कॉन्सेप्ट पर कराया, अब हम कुछ और ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने जा रहे हैं जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब और हम क्वेश्चन सेलेक्ट करने जा रहे हैं जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और उनको हम आपको सॉल्व करा देंगे, तो आपका जो है हर एक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन मिल जाएगा और आपके लिए ये चैप्टर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो एरर में हमने क्या क्या बताया, एक बार फिर रिवाइज करा दे। हमने आपको बताया एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसाइजन क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होती है, एरर कितने टाइप की होती है उसको हम जो है सिस्टमेटिक और रैंडम में क्लासिफाई किए। सिस्टमेटिक एरर कितने टाइप की होती है ये मैंने आपको बताया, रैंडम एरर में कौन कौन सी आती है ये मैंने आपको बताया। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैग्नीट्यूड के बेसिस पर एरर को कैसे क्लासिफाई करें, मीन्स मैग्नीट्यूड के बेसिस पर फिर हम लोगों ने क्लासिफाई किया कि एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर क्या है, फिर परसेंटेज एरर क्या है। उसके आगे जब हम आगे बढ़े तो फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब कोई हम मेजरमेंट कर रहे हों उसमें हम डिफरेंट क्वांटिटी का मेजरमेंट करें, उनमें कुछ एरर आई, अब उन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड या मल्टीप्लाई कर करके जो रिजल्ट निकालेंगे उस रिजल्ट में भी एरर होगी, तो उस रिजल्ट के एरर को कैसे कैलकुलेट करें, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो फिर हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का डिस्कशन किया। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हमने उसमें थ्री रूल्स डिस्कस किए। एक ये डिस्कस किया कि अगर जब दो क्वांटिटी ए व बी हों उनको हम मेजरमेंट करें और उनमें एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए और डेल्टा बी हो, जब हम उनको ऐड करें ए प्लस बी करें तो रिजल्ट में कितनी एरर होगी, जब उनको सब्ट्रैक्ट करें ए माइनस बी करें तो रिजल्ट में कितना एरर होगा, दोनों के केस में आंसर आया डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इससे रूल नंबर वन ये बना था कि दो क्वांटिटी को जब ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्ट में जो एरर आती है उन दोनों में जो एब्सोल्यूट एरर है उनके सम के इक्वल आती है, ये रूल नंबर वन कहलाया। रूल नंबर सेकेंड में हमने आपको ये बताया कि जब कोई एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट पर बेस्ड हो, मान लो जेड इक्वल टू ए इंटू बी है और ए के मेजरमेंट में आपने डेल्टा ए मिस्टेक की, बी के मेजरमेंट में डेल्टा बी मिस्टेक की, तो जेड के मेजरमेंट में कितनी एब्सोल्यूट एरर होगी, इसके लिए हम लोगों ने डराइव किया फार्मूला डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी किया और ये रिलेटिव एरर आई, यही रिजल्ट होगा चाहे दोनों मल्टीप्लाई में हो और चाहे दोनों डिवाइड में हो, दोनों के केस में डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कोई रिजल्ट चाहे दो क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड हो चाहे डिवीजन पर बेस्ड हो, जो रिजल्ट में एरर हो रिलेटिव एरर होगी वो दोनों क्वांटिटी में जो रिलेटिव एरर है उनके सम के इक्वल होगी, ये रूल नंबर टू हमारा कहलाया। रूल नंबर टू का डिस्कशन हुआ। रूल नंबर थ्री में हमने ये डिस्कस किया कि अगर कोई क्वांटिटी जेड है वो किसी के पावर पर बेस्ड है, जैसे एरिया होता है किसी स्क्वायर का साइड स्क्वायर, वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, तो अगर कोई क्वांटिटी पावर पर बेस्ड है और हमें उस पर रिलेटिव एरर निकालना है तब कैसे कैलकुलेट करें, तो वहाँ पर ये रूल आपने देखा कि जो पावर होती है वो उसके पहले चली आती है, तो मीन्स डेल्टा जेड अपान जेड हो जाता है, अगर पावर यम है तो यम टाइम्स डेल्टा ए अपान ए आ जाता है। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोगों ने एग्जांपल सॉल्व किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हर एक थ्री रूल्स पर बेस्ड एक एक सॉल्व एग्जांपल किए।
उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक एक क्वेश्चन किया जो जिसमें हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, रिलेटिव एरर निकाला, परसेंटेज एरर निकाला, वो हमने आपको कैलकुलेट करके बताया कि उसको कैसे करेंगे, ठीक है ना, ये डिस्कशन किया। उसके बाद अभी एक इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर दो रेजिस्टेंस हैं उनको आप सीरीज या पैरेलल में कंबाइन करो तो रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट में आप एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे और रिजल्ट को कैसे राइट करोगे, उसके लिए हम लोगों ने R इक्वल टू R1 प्लस R2 और ये कॉन्सेप्ट यूज किया। और पैरेलल में R डैश इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 यूज किया और डेल्टा R डैश अपॉन R डैश स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट यूज कर करके यहां पर हमने आंसर निकाला, वो आया 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम। अब लास्ट क्वेश्चन ये हमारा सिंपल पेंडुलम पर आया। यहाँ सिंपल पेंडुलम में आपने टाइम पीरियड मेजर किया, आपको डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन गिवन है, टाइम पीरियड आपको, और यहाँ पर ये फाइंड करना है कि जी में कितने परसेंट एक्यूरेसी होगी। तो हमने यहाँ पर जी में परसेंटेज एरर निकाला जो कि आपका 3% आया। इसके पहले हमने आपको राउंडिंग ऑफ करने के रूल बताए थे, उसके पहले हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है ये बताया था, उसके पहले हमने डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के रूल्स क्या होते हैं ये डिस्कस किया था, और फिर उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कौन कौन सी क्वांटिटी होती हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं, उसके पहले डिस्कस किया था डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या हैं, उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था अप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आपके क्या हैं, ये डिस्कस किया था। अब हम आपको शॉर्ट में बता दें आपके बोर्ड के लिए क्या, आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल दोनों, आपके एक तो ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन वाला, एक एक टाइम पीरियड वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एरर के डिफरेंट टाइप्स कौन का है उनको उनको डिफाइन करना, उनके एग्जांपल बताना, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जैसे वंडर वाली क्वेश्चन में हम लोगों ने डायमेंशन फाइंड आउट किया था, डायमेंशन कैलकुलेट करना आपके यहां से इंपॉर्टेंट है आपको। और हमने आपको गुरु मंत्र एक बताया था, गुरु मंत्र में हमने आपको 5 रूल्स बताया था कि कैसे आप किसी अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन को निकालें। उसमें हमने वंडर वाल का कैलकुलेट किया था, पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल टू आर टी बताया था। तो ये सारी बातें हमने आपके साथ शेयर किया था। अब आप सभी स्टूडेंट से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, इस पूरे चैप्टर में जो बात आपको ना समझ में आई होगी उसको आप या तो मैसेज ग्रुप में राइट करेंगे या कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे, या कोई चीज़ आपको लगता है जो छूट गई है, नहीं बताई गई है, हालांकि ऑलमोस्ट लगभग चीज़ें हमने बता दी हैं, आपको कोई चीज़ लगता है कि नहीं बताई गई है तो वो आप राइट करेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का और सिलेक्शन करेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बताएंगे। उसके साथ ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, हम नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाएंगे जो आपका है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं, क्या मोशन इन वन डायमेंशन, जो कि मैकेनिक्स का पहला चैप्टर है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के विषय में। ओके।